मौत के वक़्त मरने वाले इंसान की दो बातें अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मरने से पहले पहले अगर ये दो काम करने नसीब हो जाएं, ये दो काम बंदे को अल्लाह का महबूब बना दे, अल्लाह का वली बना दे। आखिर वो दो काम हैं कौन से? हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके छोटे साहिबजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके पास एक औरत रोती हुई आई, कहने लगी, ऐ निवासा रसूल, मेरा बेटा पांचों वक़्त का नमाजी था, मेरा बेटा हक सच बोलने वाला था, कुरान पढ़ता था, पांचों वक़्त की नमाज बा जमात अदा करता था, काफ़ी दिनों से वो बीमार है, इतना बीमार हुआ है आज तो उसकी बीमारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, बोलना कब से छोड़ गया है, मेरे बेटे की ज़ुबान नहीं हिल रही, आज तो ऐसा लगता है उसकी रूह आधी अंदर है आधी बाहर है, ऐसे लगता है आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है लेकिन उसकी ज़ुबान कलिमा नहीं पढ़ रही। कलिमा क्यों नहीं पढ़ रही? मेरा बेटा नमाज़ें पढ़ता था, नमाजी बेटा, कुरान पढ़ने वाला बेटा, मरते वक्त कलिमा क्यों नसीब नहीं हो रहा? ए निवास है रसूल, तेरे दरवाजे पे आई हूँ, तेरे दरवाजे पे कुत्ते तो आते होंगे, आप कुत्तों को रोटी का टुकड़ा तो फेंकते हो, मैं कुतिया बनकर तेरे दरवाजे पे आई हूँ, कुतिया बनकर आपके दरवाजे पे आई हूँ, रोटी का टुकड़ा खैरात का टुकड़ा मुझे भी डाल दीजिए, खुदारा मेरे साथ चले, मेरे बेटे की तौबा का जरिया बने, मेरा बेटा कलिमा क्यों नहीं पढ़ रहा? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा, मैं ये बता, तेरा बेटा दुनिया में कोई ऐसा काम करता था जो अल्लाह को ना पसंद हो? तेरे सामने तेरे बेटे ने कोई ऐसा काम किया हो, ऐसा अमल किया हो जो अल्लाह को ना पसंद हो, उसके रसूल को ना पसंद हो? वो औरत कहने लगी, जी हाँ हुजूर, निवास है रसूल, आपके सामने आपके आगे बात छुपाना हकीम के आगे मर्ज छुपाने के बराबर है। जब तक मर्ज नहीं बताई जाएगी हकीम इलाज नहीं करेगा, जब तक आपके आगे सच नहीं बोला जाएगा मेरे बीमार बेटे का रूहानी इलाज नहीं हो पाएगा। कहने लगी, ऐ निवास है रसूल, मेरा बेटा नमाज भी पढ़ता था, मेरा बेटा कुरान भी पढ़ता था, लेकिन राह चलती औरतों को मेरा बेटा तक तक के देखता था, राह चलती औरतों पर मेरा बेटा नज़रें जमा के देखता था, इतना गौर से देखता था, कहता था कितनी खूबसूरत, इतना गौर से देखता था, शहवत भरी नज़रों से देखता था। मैं बेटे को रोकती थी, बेटा ये अमल अल्लाह को ना पसंद है, मेरा बेटा मेरे कहने पे ना चला, मेरे बेटे ने मेरी ना मानी, नज़रें जमा के देखता, नज़रें टिका के देखता, ये औरत कितनी खूबसूरत है, किस तरह चल रही है, किस तरह उठती है, किस तरह बैठती है, मुझे ऐसी औरत बड़ी पसंद, शहवत भरी निगाह से हर एक औरत को देखता था, शहवत भरी निगाह से हर एक औरत को देखता था, बस यही कमी मेरे बेटे के अंदर थी, बाकी मेरा बेटा नवाजी भी था, मेरा बेटा कुरान भी पढ़ता था, हक सच बोलता था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे साहिबजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मई बस यही वो अमल है जो इसकी तमाम नेकियों को खा गया, यही इसका काला करतूत इसकी तमाम नेकियों को खा गया, इसने इसकी तमाम नेकियों को उजाड़ दिया। ये अमल नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खाती है। अल्लाह अकबर। खैर, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस औरत के साथ उसके घर आए, देखा वो नौजवान जिंदगी मौत की कशमकश, जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है, ऐसा लगता है जैसे आधी रूह अंदर है आधी रूह बाहर है, लेकिन जुबान नहीं हिल रही, कलिमा नहीं पढ़ पा रहा, कोई होशो हवास नहीं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, निवास है रसूल ने, अपने नाना नबी की शान में उतरा गया कुरान उठाया, सूरह यासीन शरीफ पढ़नी शुरू की, यासीन वल कुरान الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم। यासीन शरीफ पढ़नी शुरू की, एक बार यासीन ख़त्म हुई दोबारा शुरू कर दी, जब दूसरी बार ख़त्म हुई आपने दोनों हाथ उठाए, अर्ज किया, मेरे करीम रब सुनिया, अपने प्यारे हबीब का सदका इसे कलिमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा, इसे कलिमा पढ़ने की तौफीक अता, इसका खात्मा ईमान पे कर,
इमाम ज़ैनुल लाबिदीन की अभी दुआ ख़त्म नहीं हुई थी, निवास आए रसूल के ये जुमले ख़त्म नहीं हुए थे, दुआ पहले कबूल हो गई थी। अचानक आपकी नज़र उस मरीज़ पर पड़ी जो मरने वाला था। उस नौजवान के होंठ हिलने लगे, लब हिलने लगे। आप उसके करीब गए, आपने अपने कानों से सुना, वो नौजवान कह रहा था, ओ मेरे करीम रब, मैं अपने किए गुनाहों पे शर्मिंदा हूँ, मैं अपने किए करतूतों पे शर्मिंदा हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने गफलत में गुजार दी, सारी ज़िंदगी मैंने आवारगी में गुजार दी, लड़कियों को देखने में गुजार दी, किसी की इज्जत को देखने में गुजार दी। मालिक, मैं गुनहगार हूँ, मैं बदकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं इकरार करता हूँ, मैं जुर्मवार हूँ, मैं ख़ताकार हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मालिक, मरते वक़्त मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा। मालिक मेरी तौबा, मालिक मेरी तौबा, मेरी तौबा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, वो नौजवान तौबा तौबा करता मर गया, तौबा तौबा करते उसकी रूह निकल गई। सुबहानअल्लाह, तौबा तौबा करते उसकी रूह निकल गई। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ख़ुद उसका जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ाने के बाद उसकी तदफीन की, तदफीन करने के बाद लोगों को मुखातब करते हुए हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, लोगो मरते वक़्त, मरने से पहले पहले इंसान की दो बातें अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। होशो हवास में मरने वाले की दो बातें अल्लाह ताला को इतनी पसंद है, यही दो बातें बंदे को अल्लाह के करीब कर देती, अल्लाह का महबूब बना ले। अच्छा, वो दो बातें कौन कौन सी हैं? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, नंबर एक, मरने से पहले पहले अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होना, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होना, किए करतूतों पे शर्मिंदा होना, अल्लाह की नाफरमानी पे शर्मिंदा होना, खुद को खताकार समझ लेना, इकरार कर लेना कि मैं गुनहगार हूँ, बदकार हूँ, नंबर एक। नंबर दो, मरने से पहले पहले तौबा करके मर, तौबा करके मरना। ये दो काम ऐसे हैं जो बंदे को अल्लाह का महबूब बना देते। जवानों, तौबा अल्लाह को इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी वक्त है, हमारी आँखें खुली हैं, बांध नहीं हुई, सांसें चल रही हैं, रुकी नहीं हैं, तौबा करने का वक्त है, तौबा कर लो। अचानक मौत आ भी गई, क्या करोगे? तौबा नसीब ही ना हुई, मरने के बाद अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? कितना खुशकिस्मत था वो नौजवान, मरने से पहले पहले तौबा नसीब हो गई, कलिमा पढ़ के मरा था, खात्मा ईमान पे हो के मरा। पता नहीं तुम्हारा खात्मा ईमान पे होगा या नहीं होगा, पता नहीं हमें मरते वक्त कलिमा नसीब होगी या नहीं होगी, तौबा नसीब होगी या नहीं। अभी तो हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी आंखें खुली हैं, हमारे पास वक्त है तौबा करने का, अल्लाह के हुजूर झुकने का। मेरे नबी ने फरमाया, ओ सहाबा, जी या रसूलल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया, जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। जवानों, आओना तुम भी अल्लाह के हबीब बन जाओ, आओना तुम भी अल्लाह के दोस्त बन जाओ। जब तुम अपनी सारी ज़िंदगी मालिक के नाम कर दोगे तो फिर वो सारी कायनात तुम्हारे नाम कर देगी।